देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। धनतेरस पर युवाओं को तोहफा रोजगार मेले का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 98वां जन्मदिन, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी जन्मदिवस की बधाई। लखनऊ में बिजली विभाग के केकेश शर्मा का आदेश, दीपावली का त्यौहार पर मिली निर्बाध बिजली। ग्यारह सौ घाटों पर दिल्ली में मनाई जाएगी छठ, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी। अलीगढ़ में डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित बस, गांधी पार्क पुराने बस स्टैंड के सामने का है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली रोजगार मेले का शुभारंभ किया। वहीं अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है जिसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि देश में कौशल विकास केंद्र खोले गए, इसके जरिए युवाओं को रोजगार देने में मदद मिलेगी। हमने 8-10 साल पहले की वो स्थितियां भी देखी हैं जब छोटे से सरकारी काम में भी कई कई महीने लग जाते थे। सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचते पहुंचते हैं धूल जम जाती थी, लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेनर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने ऊर्जा विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने व नगर विकास को बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमारे राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो शहरों में जिसका अमल होता है, उसके कार्य के लिए, उसके सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे देश में बहुत ही अच्छा एक इनाम पुरस्कार मिला है, और वो भी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, माननीय मुख्य सचिव जी और हमारे विभाग के अग्र सचिव और हमारे जो सूडा की डायरेक्टर है, उन्होंने इनाम लिया है। मैं अपनी पूरी टीम को जो इस योजना का अमल करती है। अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उदित राज की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी के मामले में मौनी महाराज ने पलटवार किया है। मौनी महाराज ने कहा कि उदित राज ने जो टिप्पणी की है उसकी संत समाज का घोर निंदा करता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर सिर्फ अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठा गए प्रत्येक कदम देश के लिए, धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए परम आवश्यक है। उदित राज जी ने जो टिप्पणी की है वह निश्चित रूप से एक निराशाजनक टिप्पणी है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री आज देश की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ
प्रत्येक बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं, इसलिए उन पर यह आरोप लगाना कि तीर्थों में रह रहे हैं और ज्यादातर समय वो देवी देवताओं को की पूजा में व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उनको वो समय छोड़ करके केवल धर्मांतर रोकना चाहिए। सरकार कानून के हिसाब से अपना काम कर रही है, धर्मांतर रोकने के लिए प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री को दोषी मानते हुए यह जो टिप्पणी की गई है, समाज इसकी निंदा करता है। कतई प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो भी कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तीर्थों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और विश्व को एक संदेश देने के लिए बहुत ही आदरणीय है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो भी आज का कार्यक्रम रहा है, चाहे वो बद्रीनाथ जी का रहा हो, केदारनाथ जी का रहा हो या इसके पहले उज्जैन जी का जहां का भी रहा है, वह सब बहुत ही इस देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत आवश्यक। अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के सामने एक बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। जानकारी के मुताबिक एक रोडवेज बस देर रात करीब 9 बजे एटा की ओर से सवारियां लेकर आ रही थी। बस स्टैंड पर सवारियां उतारने के बाद बस दिल्ली की ओर जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत बात ये रही कि उस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल घटना के बाद परिवहन विभाग की क्रेन मौके पर पहुंची और बस को डिवाइडर से हटाकर बस स्टैंड में खड़ा करवा दिया है। अयोध्या में भव्य 3 दिवसीय दीपोत्सव के पहले 3 राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए बिछाने का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य प्रमुख अतिथियों के लिए निर्मित मंच के ठीक सामने राम मंदिर को मॉडल बनाया गया, जिस पर दीयों को बिछाया जाएगा। दिए की चगमगाहट पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। दिए बिछाने के काम में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय समेत अन्य सामाजिक संगठनों के 22,000 वॉलंटियर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी प्रतिष्ठा से हर चीज़, हर एक काम कर रहे हैं मोदी जी को खुश करने के लिए। इस बार तो मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ का तो उत्सव ही अलग है। अयोध्या वासी हैं तो ऑब्वियसली अयोध्या के लिए तो बहुत कुछ करेंगे ही, तो हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। हम लोग का ये क्या कहते हैं, हम लोग का ये प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। हम लोग इसमें, हम लोग को शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, हम लोग की खुशकिस्मती है। अब मोदी जी आएंगे, अब यहाँ देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। 5 साल से हम लोग ऐसे ही दिए जला रहे हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा, क्योंकि वो आ रहे हैं। ये वाकई बहुत ही हर्ष की बात है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। ये दूसरी बार है, पहली बार जब वो राम जी का शिलान्यास हुआ था मंदिर का, तब आए थे, और इस बार आ रहे हैं। तो इस बार उनके आने की खुशी में हम लोगों ने 100x50 का राम मंदिर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसको हम लोग दिए से सजाएंगे, जो ऊपर से 3D इफेक्ट से पूरा राम मंदिर उभर के सामने आएगा। हम सब लोग तो 5 साल से ही दिया जला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। और अच्छा, हम सब लोग मतलब यहाँ पे तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आज पहला दिन है और दिया लमसम में बिछ चुका है। 17 लाख पूरा दिया है, वो लमसम में यहाँ बिछ चुका है, और कल जो बचा होगा कल बिछेगा, इसके बाद परसों दिया जलाएगा, जब मोदी जी आएंगे 17 लाख का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। प्रयागराज के कीटगंज में दिवाली के शुभ अवसर पर एक अनोखी पहल देखने को मिली। बता दें कि मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK मिश्रा और प्रतियोगी छात्र अमित झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों के पास पहुंचे और त्योहार को लेकर उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही झुग्गियों में रहने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों को अमित ने त्योहारों की खुशियां बांटते हुए चॉकलेट पटाखे वितरण किया। वहीं चॉकलेट और पटाखे देकर गरीब बच्चों के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही डॉक्टर AK मिश्रा ने पटाखे से होने वाले प्रदूषण के प्रति बच्चों को जागरूक भी किया। हमारे बीच में डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, मनोरोग चिकित्सक, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। समय समय पे वो बच्चों के पास आते रहते हैं और हमारे जितने भी बेसिक नीड होती हैं उसको पूरा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का पर्व आने वाला है, तो आज जो है डॉक्टर साहब ने इन बच्चों के लिए चॉकलेट और बच्चों केला, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बच्चों को छुरछुरिया पकड़ जो है बताए हैं और दिए हैं, और उनको जागरूक किए हुए हैं। पटाखे के प्रति भी जो है डॉक्टर साहब ने जागरूक किया है कि पटाखे नहीं जो है जलाना चाहिए, क्योंकि उससे विस्फोट हो सकता है, हाथ जल सकता है। हमें नशा नहीं करना चाहिए, और जो हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े हैं जो वो नशा करते हैं, उन्हें मना करना चाहिए। यह हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सर, हमें उन्हें समझना चाहिए और अपने बड़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि आज से लेकर आगे वाली जनरेशन यही सीखेगी, क्योंकि अपने बड़ों से हम जो सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वही हम सीखते हैं, वही करते हैं।
क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली में मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों के साथ आया, इनको अवेयर किया कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना है, दिवाली कैसे मनानी है, पड़ाकों के प्रति जागरूक किया और उनको बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, पड़ाके बड़े पड़ाके या बम टाइप की चीज़ें नहीं बजानी चाहिए, छुरछुरी से जो है छुरछुरिया से दिवाली सेलिब्रेशन करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को सारी चीज़ें पता हैं और उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करके जो भी मैंने छोटा मोटा इनके लिए किया, बट वो मुझे अच्छा लगा। दिवाली सेलिब्रेशन या कोई भी त्यौहार का सेलिब्रेशन अगर मैं इनके साथ करता हूँ तो मुझे एक अच्छी खुशी महसूस होती है। जो बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब छोटे बच्चे भीख मांगने किसी लाइट मतलब रेड लाइट या किसी जगह इकट्ठे होते हैं। और कोई छोटे बच्चों को मैं हमेशा से कॉलेज टाइम पे मैं देखता था कि वो नशे का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत दुख होता। औरैया में एरवा कटरा क्षेत्र में धनतेरस दीपावली को देखते हुए सीओ एसडीएम और थाना अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च करते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होते हुए सभी पुलिस अधिकारी थाने में पहुंचे। वहीं अवैध तरीके से आतिशबाजी बनने की खबर को लेकर खेतों में बने एक कमरे का ताला खुलवा कर तलाशी ली। इस दौरान एसडीएम ने कहा जो भी आतिशबाजी विक्रेता प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बिक्री करे, इसके अलावा अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में नकली प्लेटलिस्ट बेचने वाले अपराधियों पर पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया। बता दें पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अभी पुलिस अभी भी बाकी बचे अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला कि गिरोह प्लाज्मा से प्लेटलिस्ट तैयार कर मरीज के तीमारदारों को मनमाने दम पर बेच रहे थे। एग्जैक्ट डेट ये नहीं बता सकते हैं, परंतु रीसेंट टाइम में जो डेंगू फैला है उसके उपरांत जो डिमांड बड़ी है प्लेटलेट्स की, अकॉर्डिंगली उसको जो इन्होंने गलत तरीके से उस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इस तरह के काम इन्होंने किए। बिल्कुल इन पर कठोर विधिक रूप से जो भी चीज़ें बनती हैं उन पर सारी कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं।